लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे और प्रातःकाल होते ही हम ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसा आप उचित समझे स्वामी। सूर्योदय के साथ साथ यदि तुम लोगों ने तारा अंगद रूमा का पता नहीं लगाया तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। वनराज बाली, वनराज बाली, क्या हुआ सेनापति? महाराज केसरी और महारानी अंजना समीप ही पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। केसरी और यहां? हाँ। चलो मेरे साथ। देवी अंजना, हनुमान अचानक हमको अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। सैनिकों, घेर लो इन सबको चारों तरफ से। वानरराज बाली, आप? हम, अब आप हमारे बंदी हैं। बंदी? ये क्या कह रहे हैं आप? आप हमारे बंदी हैं क्योंकि आपका पुत्र हनुमान हमारा कट्टर शत्रु बन चुका है। आपका शत्रु? यह असंभव है वानर राजबाली। और दो वानर कुलों में शत्रुता कैसी? जो असंभव था वो संभव हो चुका है। हमारा भाई सुग्रीव हमारा शत्रु बन चुका है और सुग्रीव का रक्षक हनुमान हमारे कार्य में बाधा डालकर हमारा महान शत्रु बन चुका है। हनुमान किसी का शत्रु नहीं हो सकता, इन्हें समझाइए स्वामी। हमने सोच समझ कर आपको बंदी बनाने और बंदी घर में भूखा रखकर तड़पाने का निश्चय कर लिया है। सैनिकों, डाल दो इन दोनों को बंदी घर में। शैरो, वानर कुल शिरोमणि हनुमान के पिता को बंदी बनाने की कुचेष्टा करने वाले बाली, लगता है तेरा काल निकट आ गया है। बाली, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। काल तो तेरा निकट आ गया है केसरी, अब तू हमारा शत्रु बन चुका है और ये सारा संसार जानता है कि हमारे सामने आते ही हमारे शत्रु का बल आधा रह जाता है। तूने हमें अपशब्द कहकर अपने जीवित रहने का अधिकार भी खो दिया है। लगता है तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई है। कैसे? बंदी बना लो इन सब सैनिकों को। सैनिकों, पकड़ लो इन सबको। हनुमान, हनुमान कहाँ हो तुम पुत्र? जय श्री राम। माता, 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 तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा पुत्र हनुमान आ गया है। अले, तू इतनी नीचता पर उतर आया है कि तूने मेरे पूज्य माता पिता पर प्रहार किया। हनुमान, तो तू आ गया, मैं तुझसे भी निपट लूंगा। सैनिकों, केसरी रंजना को बंदी बनाकर ले जाओ, मैं अकेले ही इससे निपट लूंगा। हाँ हनुमान, तुझे मारने के लिए मेरे हाथ चटपटा रहे हैं। बाले, यदि तूने या तेरे सैनिकों ने मेरे पूज्य माता पिता को स्पर्श करने की चेष्टा भी की तो तुम सब मेरी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं वानरराज, हम हनुमान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। हम बिन मृत्यु मरना नहीं चाहते। सैनिकों, लौट चलो। सैनिकों, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बाली, मैंने तुझे एक बार नहीं बार बार क्षमा किया। मैंने सच्चे हृदय से तुम दोनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया। तुम दोनों भाइयों की अकारण शत्रुता को समाप्त करने की भरसक चेष्टा की मैंने, परंतु जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है उसे भला कौन बचा सकता है। अब मेरी सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं बाली, सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज मेरे धैर्य का बांध भी टूट चुका है बाली, और तूने मेरे पूज्य माता पिता पर प्रहार करके अपने जीवित रहने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी है बाले। अब तू मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। नहीं बाले, एक निहत्ते पर गदा प्रहार करके मैं अपनी वीरता का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। कहता है ना कि तेरे सामने आने पर तेरे शत्रुओं का बल आधा हो जाता है, तो ले, आज मैं तेरे सामने भी हूं और तेरा शत्रु भी। देखता हूं मेरा बल आधा होता है या दुगना। तेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पुकार ले अपने इष्ट देव को। नारायण नारायण। नहीं हनुमान, नहीं, तुम्हें श्री राम की शपथ है, तुम बाली को मारने का विचार भी अपने मन में नहीं लाओगे। बाली, आज मैं तुझे फिर जीवित छोड़ता हूँ। जा, चला जा, शीघ्र अतिशीघ्र मेरी आंखों से दूर हो जा। इस पराजय और अपमान से तो अच्छा था कि तुम मेरे प्राण ही ले लेते हनुमान। यह अपमानित जीवन जीकर अब मैं क्या करूंगा। चला जा बाली, भाग जा यहां से, जा। देवर्षि, मुझे क्षमा कर देना। देवर्षि, मैं हृदय से आपका आभारी हूं जो आपने मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा। पुत्र। माता, प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, पिताश्री, पिताश्री। माता, माताश्री, तुम क्यों क्षमा मांग रहे थे पुत्र? माता, मैंने देवर्षि नारद को शपथ दी थी कि मैं बाली का वध इन हाथों से कभी नहीं करूंगा।
परंतु आप दोनों पर प्रहार होता देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैं क्षमा मांग रहा था माता, इसीलिए क्षमा मांग रहा था। पुत्र, शपथ तोड़ने से बड़ा और कोई पाप नहीं। भला मेरा पुत्र कोई भूल कैसे कर सकता है? हनुमान, हम तुमसे मिलने के लिए कितने आतुर थे। माता, मैं तो सदा आपको मिलने के लिए तड़पता रहता था, परंतु क्या करूं, अपने वचनों से बंधा हूं। मैं समझती हूं वत्स, सब कुछ समझती हूं। तुम तो सारे संसार में मित्रता, वचन और प्रण के अद्भुत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। तुम मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया। भगवान शिव शंकर तुम्हारी रक्षा करें। तुम जाओ, जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो पुत्र। नहीं माता, पहले मैं आप लोगों को सुरक्षित सुमेरु तक पहुंचा देता हूं। लाइए पिताश्री। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिछली बार हमारा ये लक्ष्य अधूरा रह गया था क्योंकि हम क्योंकि पिछली बार पाताल लोग जाते जाते तुम्हें तुम्हारे बहनों ही विद्युत जीव ने रसातल में ही रोक लिया था और क्रोध में आकर तुमने अपने बहनों ही का ही वध कर दिया। क्यों लंकापति? नारद, किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? क्या तुम हमारे अभियान में फिर बाधा डालने आए हो? ना ना नारायण नारायण, नारद कभी कहीं बाधा डालने के लिए नहीं, बाधा दूर करने के लिए पहुंचता है रावण। मैं तो तुम्हें तुम्हारे इस अभियान पर शुभकामनाएं देने आया हूँ। पाताल लोक जाओ और विजयी होकर लौटो। परंतु जब तुमने शुभकामना दे दी तो फिर ये परंतु कैसा? तुम एक बहुत बड़ा दोष है अपनी प्रतिज्ञा करके भूल जाने का। किस प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं नारद? तुम पहले भी दो बार ये प्रतिज्ञा ले चुके हो रावण कि तुम यमलोक पहुंचकर यमदेव को परास्त करके सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। हाँ, मैंने यमदेव को पराजित करने की प्रतिज्ञा ली थी और पराजित करके रहूंगा। मैं पिछली बार वहां जाने वाला था परंतु परंतु ओह परंतु 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 रावण, अब तुम भी मेरे समान परंतु का सहारा ना लो। सच बात तो ये है कि यमलोक जाने से तुम डरते हो। नहीं, मैं यमलोक जाने से नहीं डरता। मैं यमलोक जाऊंगा और मृत्यु लोक का अधिकार छीन लूंगा। तो क्या
अब से यमदेव का काम तुम करोगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आएगी तो यमदूतों के समान क्या तुम वहां पहुंच जाओगे उस व्यक्ति के प्राण लेने के लिए? हाँ हाँ, मैं सबका प्राण विधाता बन जाऊंगा। यदि तुम घर घर घूमकर प्राणों की भीख मांगोगे तो तुम्हारे विश्व विजयी का क्या होगा? तुम्हारी स्वर्ण नगरी लंका पर देवताओं की सहायता से कुबेर एक बार फिर अपना अधिकार जमा लेगा और तुम देखते रह जाओगे। तुम व्यर्थ की बकबक करके मेरा ध्यान लक्ष्य से हटा रहे हो। मैं यहाँ से सीधा पाताल लोक जाने वाला था, परंतु तुमने मुझे बीच में ही टोक दिया। चले जाओ यहाँ से। देखा। अभी अभी यमलोक जाने की घोषणा की और पाताल लोक जाने की रट लगाने लगे। इसीलिए तो कहा है महात्माओं ने कि जो अपने लक्ष्य से भटक गया वो जीवन से भटक गया। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ। मैं तुम्हें सावधान करने आया था, सो कर दिया। अच्छा, मैं चला। नारायण मुनि, जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। सबसे पहले मैं यमलोक जाऊंगा। यमलोक? हाँ, अवश्य जाओ। वैसे वो स्थान ही तुम्हारे लिए उचित है और वहां तुम यमराज को हराओ या यमराज तुम्हें, इसका पता तो मुझे चल ही जाएगा। नारायण नारायण। राक्षस वीरों, तुम सब यहीं पर ठहरो। मैं यमलोक पर विजय प्राप्त करके आता हूँ। के पास गए और मारे गए। हाँ, लंकेश्वर रावण की सहायता के लिए हम दोनों पाताल से पृथ्वी पर गए। मैं पूरे 45 दिन लड़ा और मरकर यहाँ यमलोक में आ गया। अब इन दुष्ट यमदूतों ने मुझे धक्का दिया। मैं मरकर भी जीवित हूँ और जीकर भी मरा हुआ हूँ। धिक्कार है तुझ पर रावण। चुप रहो। राक्षस होकर बिल्ली की तरह रो रहे हो, लज्जा नहीं आती? रावण, तुम यहां कैसे? हाँ, मैं लंकापति रावण यमराज पर विजय प्राप्त करने के लिए यहां पहुंचा हूं। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ए अधर्म, कौन है तू? तूने हाथों में खड़ग लेकर इस यमलोक में प्रवेश कैसे किया? बिना मरे यहाँ कैसे पहुंचा तू? क्या हम में से कोई यमदूत तुझे लेने पृथ्वी लोक पहुंचा था? पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, नर्क सब पर रावण अपना विजय ध्वज फहराएगा।